अमेठी में शहीद सीआरपीएफ के जवान अनिल मौर्य की पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही उनकी याद में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। वे नक्सलियों से मुठभेड़ में 20 अप्रैल 2018 को शहीद हो गए थे, जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी प्रभाकर त्रिपाठी ने प्रतिमा का अनावरण करते हुए उनकी वीरता को याद किया। डीआईजी ने बताया कि अनिल मौर्य बहुत ही बहादुर सैनिक थे। इन जैसे जाबाजों के सामने देश हमेशा कर्जदार रहेगा। जब यहां पे आने के बाद ये अनुभूति हुई कि हमारे शहीद अनिल कुमार मौर्य अपने गांव, अपने जिला या अपने प्रदेश में कितने लोकप्रिय रहे होंगे और जिस तरह से उन्होंने सीआरपीएफ में अपनी शहादत दे करके एक अपना स्थान बनाया है, सीआरपीएफ एवं संपूर्ण समाज उनका बहुत बहुत ऋणी है। ऐसे शहीद पे हमेशा हमारे देश और देशवासियों को गर्व होता है जो अपनी कर्म की बलिवेदी पे अपना प्राणोत्सर्ग हंसते हंसते कर जाते हैं। कि ये शहीद दिवस के रूप में जिस तरह आज परिवार ने, समाज ने मनाया है, मैं समझता हूँ इसको किसी एक विशेष शब्द में नहीं बांधा जा सकता। ये करुणा और वीर रस को समेटे हुए एक पर्व है और हम सबको दुख भी है उनके जाने का, लेकिन गर्व भी है उनके कृतित्व का। मैं समझता हूँ कि समाज पूरा ऐसे फौजी के लिए, फौजी भाई के लिए और इस परिवार के लिए खड़ा है। कहीं भी किसी भी तरीके से ये परिवार अकेला महसूस न होने पाए, ये हम सब सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी।